तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चैनल में जिसका नाम है लेट्स हैक द प्रोग्रामिंग। तो अगर हम बात करें अपने इस वीडियो के बारे में, ये हमारी वीडियो है जो हमारी इथिकल हैकिंग का थर्ड लेक्चर है। इसके लिए हमने सेकंड लेक्चर दे दिया है। अगर आप उस लेक्चर को दोबारा देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दूंगा, आप जाके सेकंड लेक्चर देख सकते हो। और जो नए हैं इस चैनल पे, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जो कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो फ्री में इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए। वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जो कि सी प्रोग्रामिंग के नाम से होगी। वहाँ पे आपको सी के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप सी सीख सकते हो फ्री में। और सेकेंड, हमारी जो कि इथिकल हैकिंग है वो भी आपको उसमें दी जा रही है। आप जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक करें, आपको वहाँ से फर्स्ट से लेकर एंड तक सभी लेक्चर्स दे दिए जाएंगे कि आपको इथिकल हैकिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ पे एंड होगी। जो कि बिगनर्स है, बिगनर्स के लिए थर्ड लेक्चर, जो कि हमारे ये इथिकल हैकिंग देख रहे थे उनके लिए थर्ड लेक्चर है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आपने सेकंड लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आपको वर्चुअल मशीन में कैसे इंस्टॉल करनी है काली। तो आपने काली इंस्टॉल कर ली, बट उसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आओ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे अपनी जो कि हमारी काली लिनक्स थी, हमने वर्चुअल मशीन में उसको ऑन कर लिया है। हम आपको इसकी बेसिक्स नॉलेज देंगे कि आप अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको क्या क्या इसमें ध्यान रखना पड़ेगा और क्या क्या शॉर्टकट्स आपके काम आएंगे, जिसकी आपकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये आपके इथिकल हैकिंग का थर्ड लेक्चर है और ये थर्ड लेक्चर होने के बाद आपको फोर्थ लेक्चर बहुत ही जल्दी मिलेगा और आप इन लेक्चर्स को रेगुलर देखते रहें। जैसे कि इस पे अपलोड हो आप इसको तभी देखें। जैसे कि हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं काली लिनक्स के, अगर हम इसको लॉगिन करेंगे तो हम लॉगिन इसको कुछ इस तरह से करेंगे, जो अपने यूज़र नेम रखा होगा और जो उसका पासवर्ड रखा होगा आप उसको थोड़ा ध्यान रखिए। इसका मैंने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दिया था रूट एंड टोर, ठीक है। अगर हम इसको लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। ये आपकी बेसिक्स नॉलेज के लिए हम आपको बता दें कि आप इन लेक्चर्स को रेगुलरली देखते रहें। जैसे कि हमारे चैनल पे अपलोड हुए हैं आप इनको तभी देखते रहें। जैसे कि आपको अगर आप यहाँ पे कॉर्नर पे एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग्स के टूल्स मिलेंगे, वर्नरेबिलिटीज एनालिसिस के टूल मिलेंगे, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के टूल मिलेंगे एंड डाटाबेस, पासवर्ड अटैक्स, वायरलेस अटैक्स, रिवर्स इंजीनियरिंग एंड और भी बहुत कुछ आपको यहाँ पे टूल्स देखने को मिलेंगे। और सेकंड, जो कि हमारा ये प्लेसेस है, प्लेसेस को अगर हम यहाँ पे होम पे हमें ट्रैक पे जाना हो तो हम यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। डेस्कटॉप पे जाना हो तो अगर हम होम पे क्लिक करें तो हमारा ये यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। अगर हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे, अगर हमने न्यू फोल्डर बनाना है तो ये इसके कुछ शॉर्टकट्स हैं एंड इसके अलावा इसकी कुछ बेसिक्स हैं। यहाँ पे आप फेवरेट एप्लीकेशंस को यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि मेरी फेवरेट एप्लीकेशन है जो यहाँ पे ये है टर्मिनल एंड उसके बाद फाइल्स, मेटास्पोइल्स एंड और बहुत कुछ। अगर आप यहाँ पे इनको रखोगे तो आपको शॉर्टकट्स आपको चलाने में आसानी होगी। और इसके बाद अगर आपको सारी एप्लीकेशन शो करानी तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारी एप्लीकेशन शो हो जाएंगी जो कि आपके इसमें इन बिल्ड मैंने आपको प्रोवाइड की है, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसके बाद अगर हम यहाँ इसके कॉर्नर की बात करें तो हमें रिकॉर्डिंग के लिए दिया गया है, अगर हमें रिकॉर्डिंग यहाँ पे करनी हो तो। और उसके बाद ये हमारा वर्क स्पेस है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो हम इस पर रहेंगे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। और इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा यहाँ से वायर्ड कनेक्शन से कनेक्टेड है। अगर हम इसको देखें तो ये वायर्ड से कनेक्टेड है क्योंकि आपकी वर्चुअल मशीन है जो कि आपकी
जो आपने इसमें वायरलेस कार्ड लगाया गया है। अगर आप यहाँ पे इसको वायरलेस कार्ड से अटैच करना चाहते हैं तो आप एक यूएसबी वगैरह इसमें अटैच कर सकते हो। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसके लिए आपको एक वीडियो दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि अगर आप वायरलेस कार्ड यूज़ करें और कौन सा यूज़ करना चाहिए और उसके अलावा कौन कौन से बैटर रहेंगे जो मॉनिटर मोड को सपोर्ट करेंगे और SQL इंजेक्शन को और उसके अलावा एयरक्रैक एनजी को, उन सब को सपोर्ट करने के लिए अलग से वायरलेस अडेप्टर आते हैं। अगर आप उनको यूज़ करोगे तो एक बार वीडियो ज़रूर देखें कि आपको कौन से यूज़ करने चाहिए। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ से आप साउंड कंट्रोल कर सकते हो कि आपको साउंड कितना रखना है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें ये बताएगा कि आप कौन से, मतलब आप एडमिनिस्ट्रेटर से अपने लॉगिन किया गया है या गेस्ट अकाउंट से। और यहाँ पे अगर हम सेटिंग पे क्लिक करें तो हमारी ये सेटिंग्स ओपन कर देगा काली की, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ से शट डाउन का ऑप्शन मिलेगा अगर हमें ये मशीन शट डाउन करनी है। और उसके बाद ये लॉक का। और इस वीडियो में आपको इतना कुछ ही बताया जाएगा और आपको फोर्थ लेक्चर बहुत जल्दी दिया जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, आपको फोर्थ लेक्चर बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।